बच्चों, आज हम एक और नई कहानी सुनेंगे। उस कहानी का नाम है सेठ चिल्ली और कुएं की परियों की कहानी। कहानी है, एक समय की बात है, किसी शहर में एक सेठ चिल्ली रहता था। वो बहुत गरीब था। वो एक नंबर का मूर्ख और कामचोर भी था। उसके घर कई कई दिनों तक खाना नहीं बनता था। ये सब देखकर एक दिन सेठ चिल्ली की पत्नी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने सेठ चिल्ली पर चिल्लाते हुए कहा, मैं इस गरीबी से तंग आ चुकी हूं। अब मैं इस हालत में नहीं रह सकती हूं। जब तक तुम पैसे कमाकर नहीं लाओगे, मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगी। इतना कहकर सेठ चिल्ली को उसकी पत्नी ने पैसे कमाने के लिए घर से बाहर भेज दिया। साथ ही उसे चार सूखी रोटियां भी दे दी, ताकि रास्ते में भूख लगे तो वो खा सके। शेख चिल्ली पत्नी के गुस्से से डरकर काम की तलाश में घर से निकल पड़ा। शेख चिल्ली सबसे पहले अपने गांव के साहूकार के पास गया। उसने सोचा कि साहूकार उसे जरूर काम पर रख लेगा, लेकिन उल्टा साहूकार ने उसे डांट कर भगा दिया। इसके बाद शेख चिल्ली काम की तलाश में एक गांव से दूसरे गांव में भटकता रहा, लेकिन घर वापस नहीं गया, क्योंकि पत्नी ने गुस्से में कहा था कि बिना नौकरी के घर वापस मत आना। जब शेख चिल्ली चलते चलते बहुत थक गया, तो पास में कुएं को देखकर उसके चबूतरे पर जाकर बैठ गया। अब उसे तेज भूख लग रही थी, तो उसने अपनी पोटली से सूखी रोटियां बाहर निकाली, लेकिन उसे इतनी तेज भूख लगी थी कि इन चार रोटियों से उसका पेट नहीं भरने वाला था। रोटियों को देखकर वो बार बार सोचने लगा कि अगर सारी रोटियां उसने अभी खा ली तो बाद में क्या करेगा। इसी उधेड़बुन में शेख चिल्ली हर बार रोटियों को पोटली से निकाल कर गिनता और वापस अंदर रख देता। आखिर में जब उसे कुछ नहीं सूझा, तो उसने कुएं के देवता से मदद मांगने की सोची। वो कुएं के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, हे प्रभु, अब आप ही मदद करो। मुझे तेज भूख लगी है, लेकिन इन चार रोटियों से मेरा पेट नहीं भरने वाला, और इन रोटियों को अभी खा लिया तो कल क्या खाऊंगा। मुझे तो अभी कोई नौकरी भी नहीं मिली है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं, या चारों खा जाऊं। अब उस कुएं में कोई देवता तो रहता नहीं था जो उसके सवालों का जवाब देता। उल्टा कुएं में चार परियां रहती थी, जो शेख चिल्ली की बातें सुनकर डर गई। उन्हें लगा कि कुएं के पार कोई राक्षस आया है जो उन्हें खा जाएगा। बस इसी डर के मारे चारों परियां राक्षस से दया की भीख मांगने कुएं से बाहर निकल आई। कुएं के बाहर आते ही उन्होंने शेख चिल्ली के आगे हाथ जोड़कर कहा, हे राक्षस राज, आप बहुत शक्तिशाली हैं। आप बेवजह चारों को खाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप हम पर दया करें तो हम आपको कुछ ऐसी चीजें दे सकती हैं जो आपकी बहुत काम आएगी। परियों को अपने सामने देखकर शेख चिल्ली हैरान रह गया और समझ नहीं आया कि परियों से क्या बोले। शेख चिल्ली को चुप देखकर परियों ने समझा कि राक्षस राज ने उनकी बात मान ली है, इसलिए उन्होंने शेख चिल्ली को एक कठपुतला और एक कटोरा देते हुए कहा, हे राक्षस राज, ये कठपुतला आपकी हर बात मानेगा। अब जो कहेंगे ये वही करेगा, और ये कटोरा आप जो खाना चाहेंगे वो आपको खाने के लिए देगा। यह कहकर परियां कुएं में वापस चली गईं। ये सुनकर शेख चिल्ली बहुत खुश हुआ और सोचा कि अब उसे घर वापस चले जाना चाहिए। ये सारी चीजें देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश होगी, लेकिन तब तक बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए वो पास के एक गांव में पहुंच गया। वहां उसने एक आदमी को रात भर के लिए अपने घर में ठहरने की प्रार्थना की। उसने वादा किया कि इसके बदले वो उसे और उसके परिवार को अच्छी अच्छी मिठाइयां और पकवान खिलाएगा। यह सुनकर वो व्यक्ति शेख चिल्ली को अपने साथ घर के अंदर ले गया। जब घर के सभी सदस्य एक कमरे में बैठे हुए थे, तभी शेख चिल्ली ने अपना कटोरा निकाला और उसे तरह तरह की मिठाइयां और स्वादिष्ट खाना देने के लिए कहा। इतना कहते ही वहां मिठाइयां और तरह तरह के व्यंजनों का ढेर लग गया। जब सभी ने पेट भरकर खाना खा लिया, तो घर के मालिक की पत्नी बर्तन साफ करने के लिए
जाने लगी, लेकिन शेख चिल्ली ने उसे रोक दिया और कहा कि मेरा कठपुतला ये सारे बर्तन साफ कर देगा। इतना कहना भरता कि कठपुतली ने चुटकियों में सारे बर्तन साफ कर दिए। शेख चिल्ली की कटोरे और कठपुतले का कमाल देखकर घर के मालिक और उसकी पत्नी के मन में लालच आ गया। फिर शेख चिल्ली के सोते ही उन्होंने उसके झोले से सारी चीजें चुरा ली और इनकी जगह नकली कटोरा और कठपुतला रख दिया। अगली सुबह शेख चिल्ली उठा और हाथ मुंह धोकर झोला उठाकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचते ही उसने पत्नी के सामने बड़ी बड़ी टींगे मारनी शुरू कर दी। शेख चिल्ली बोला, भगवान अब तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है और ना ही खाने पीने की चिंता करने की जरूरत है। तुम जो कहोगी वो काम ये कठपुतला कर देगा और जो खाना चाहोगी उसे ये कटोरा तुम्हारे सामने ला देगा। लेकिन शेख चिल्ली की पत्नी को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मैं नहीं मानती, तुम साबित करके दिखाओ। फिर क्या, शेख चिल्ली ने कटोरे और कठपुतले को अपना कर्तव्य दिखाने को कहा, लेकिन वो दोनों चीजें तो नकली थी तो भला अपना जादू कैसे दिखाती। ये देखकर शेख चिल्ली की पत्नी और ज्यादा नाराज हो गई और उसने बहुत डांटा। पत्नी की बात सुनकर शेख चिल्ली उदास हो गया और वापस उसी कुएं के चबूतरे पे जाकर बैठ गया। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करे और फूट फूट कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर चारों परियां कुएं से बाहर आ गई और शेख चिल्ली से उसके रोने का कारण पूछा। शेख चिल्ली ने सारी कहानी उन्हें कह सुनाई। उसकी बात सुनकर परियों को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, हमने तो तुम्हें खतरनाक राक्षस समझा था, इसलिए तुम्हें खुश करने के लिए वो करामाती चीजें दी थी, लेकिन तुम तो बहुत ही साधारण इंसान हो। तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुम्हें एक रस्सी और एक डंडा दे रहे हैं, उन्हें लेकर एक बार फिर उसे घर में जाना, उसी घर में जिन्होंने तुम्हारी चीजें चुराई थी। इस रस्सी से उन्हें बांध देना और डंडे से खोप पीटना। इसके बाद वो परिवार तुम्हें तुम्हारी चीजें वापस दे देगा। इतना कहते ही परिया कुएं में वापस चली गई। परियों की बात मानकर शेख चिल्ली फिर उसी घर में गया। उसने घर के मालिक से कहा, इस बार मैं तुम्हें नया जादू दिखाऊंगा। उस आदमी ने लालच में आकर शेख चिल्ली को फिर से अपने घर में रुकने की इजाजत दे दी। घर के अंदर जाकर शेख चिल्ली का आदेश मिलते ही जादुई रस्सी ने घर के मालिक और उसकी पत्नी को बांध दिया और डंडे से उनकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। दर्द के मारे दोनों पति पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगे और शेख चिल्ली से माफी मांगने लगे। शेख चिल्ली ने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरा सामान चुरा कर मेरा भरोसा तोड़ा है। जब तक तुम मेरी चीजें वापस नहीं करोगे तब तक ये डंडा नहीं रुकेगा। इतना सुनते ही पति पत्नी ने शेख चिल्ली को उसकी चीजें वापस लौटा दी। इसके बाद शेख चिल्ली ने रस्सी और डंडे को रुक जाने का आदेश दे दिया। दोनों चीजें मिलते ही शेख चिल्ली खुशी खुशी वापस घर लौट गया। शेख चिल्ली को देखकर उसकी पत्नी गुस्से में चिल्लाई, तुम फिर लौट आए, अगर तुम घर के अंदर घुसे तो मैं बेलन से तुम्हारी पिटाई करूंगी। यह सुनकर शेख चिल्ली ने मन ही मन रस्सी और डंडे का आदेश दिया कि उसकी पत्नी को बांधे उसकी पिटाई शुरू कर दे। रस्सी और डंडे का कमाल देखकर पत्नी डर गई और शेख चिल्ली से वादा किया कि वो फिर कभी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगी। इसके बाद कहीं जाकर रस्सी और डंडे से उसे छुटकारा मिला। इसके बाद शेख चिल्ली ने जादुई कठपुतले और कटोरे का कमाल दिखाया। बच्चों अब बताओ कि अब हमें इस कहानी से क्या सीख मिली। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिली, हमें कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए और ना ही लालच करना चाहिए। इसका परिणाम हमेशा बुरा ही होता है।